तो आपको बता दें, गांव की सरकार चुनने के लिए कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो रही है। और अधिक जानकारी के लिए अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग पंचायत समितियों से आज चूंकि रवाना होने वाले हैं पोलिंग पार्टीज, तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं इसे लेकर उनसे जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ कोटा से हिमांशु मित्तल जुड़े हैं, अशोक भाटी अजमेर से, वहीं दीपक गोयल जयपुर से और साथ ही अविनाश जगनावत उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि राजधानी पर सभी की निगाहें टिकी होती है। आज पूरी तैयारियां की जा रही है, जो तस्वीरें सामने आई थी 16 तारीख को यानी कि पहले चरण के चुनाव से पहले दिन, आज कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें, प्रशिक्षण, फाइनल रिहर्सल और उसके बाद रवानगी, क्या फिलहाल मौके पर चल रहा है? सरपंच पद के प्रत्याशी, सरपंच पद के काउंटिंग एजेंट्स, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, कल चुनावी शादी है, चुनावी शादी की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है, फाइनल रिहर्सल हो चुका है और अब सिर्फ रवानगी की तैयारी है। जो पोलिंग पार्टियां हैं राजस्थान के 2333 ग्राम पंचायतों में जो सेकंड फेज में इलेक्शन होना है उनकी जो ट्रेनिंग है उनको दी जा चुकी है। ये वो पोलिंग जो कर्मी हैं जो कि जो मतदान कराने के लिए कुछ देर में यानी कि तमाम जो सामग्री मतदान की लेकर रवाना होंगे भवानी निकेतन से और अपने 2 से 3 बजे तक अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुँचेंगे। 5 पोलिंग जो कह सकते हैं मतदान कर्मी है एक पार्टी के साथ और रिटर्निंग ऑफिसर और इसके अलावा जो तमाम जो कर्मी है मतदान कर्मी 4 उसके सहित वो अभी अपने अपने सामान साज-सज्जों के साथ रवाना होंगे। ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से उनको पहली बार चुनाव हो रहा है ईवीएम से सरपंच का किस तरह से उनको चुनाव कराना है और मतपत्र से जो वार्ड पंच हैं वो चुने जाएंगे। इनको फाइनल रिहर्सल दिया जा रहा है। जयपुर की यदि हम बात करते हैं तो जयपुर में गोविंदगढ़ और सांगनेर पंचायत समिति की 80 ग्राम पंचायतों में इलेक्शन होना है। 391 में इस जो बूथ है वो बनाए गए हैं और 391 में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अब से कुछ देर में यहां से रवाना हो जाएंगी। सुबह 7 बजे इनका यह कह सकते हैं यहां पर पहुंचने का समय मुकर्रर किया गया था और 7:30 बजे यहां पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं, उनको अंतिम प्रशिक्षण देकर और यहां से अपनी बसों में बैठाकर और जाप्ते के साथ रवाना किया जाएगा। जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है वहां पर 1-4 का जाप्ता लगाया गया है। हालांकि क्योंकि पंचायतों के चुनाव हैं प्रत्याशियों की भी धड़कनें तेज हैं, इसके साथ ही ग्रामीणों को भी इंतजार है बेसब्री से क्योंकि कल लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में उनको अपनी इस महायज्ञ के अंदर अपनी आहुति देनी है। बेसब्री से तमाम जो ग्राम पंचायत है उनको गांव की सरकार चुनने के लिए इंतजार रहेगा कल सुबह 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक। हालांकि 5 बजे मतदान समाप्ति का समय है लेकिन गाँव के अंदर अक्सर प्रथम चरण में जो तस्वीरें देखने को मिली कि रात को 9-9 बजे तक कुछ मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और 1 से 2 बजे तक रात तक गाँव की सरकार चुनी गई यानी कि रिजल्ट देर रात तक आते रहे। हालांकि कुछ परिवर्तन किया गया, कई जगहों पर पहले वार्ड पंच की मतगणना हुई, कई जगह सरपंचों की जो मतगणना हुई लेकिन इस बार माना जा रहा है कि सबसे पहले सरपंच की जो ईवीएम से है वो मतगणना शुरू होगी मतदान समाप्ति के बाद, उसके बाद वार्ड पंच के जो वोट हैं वो गिने जाएंगे यानी कि गांव की सरकार है कल चुन ली जाएगी 2333 ग्राम पंचायतों में। शेष जो थर्ड फेज है उसका नॉमिनेशन हो चुका है, आज स्क्रूटनी है वो शुरू हो चुकी है, उसके बाद नाम वापसी का समय है थर्ड फेज के लिए और 29 जनवरी को जो थर्ड फेज के लिए जो इलेक्शन है वो जयपुर की 3 पंचायत समितियों के अंदर। ठीक है, तो आज का दिन बिल्कुल दीपक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी पर और जानकारी हिमांशु मित्तल से भी ले लेते हैं। हिमांशु, चूंकि आज तीसरे चरण के लिए पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का भी आखिरी दिन है और आज तीसरे चरण में मैदान में कौन कौन से प्रत्याशी है ये भी साफ हो जाएगा, इसके साथ ही क्योंकि कल दूसरे चरण का मतदान होना है उसे लेकर पोलिंग पार्टीज भी रवाना हो रही है, तो आज का दिन दोनों ही चाहे बात तीसरे चरण की हो या फिर दूसरे चरण की महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह की माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? अगर मैं खास तौर पर कोटा की पंचायत समितियों की बात करूं और फिलहाल वहां क्या चल रहा है? पूजा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में राजनीति का जो पारा है वो फिलहाल गांव में पूरी तरह से गर्म है। कल दूसरे चरण का जो मतदान है वो होना है और फिलहाल तस्वीरें कोटा के उम्मेद स्टेडियम से आपको सीधा दिखाते हैं जहां पर ये वो पोलिंग पार्टी है जो मतदान को की प्रक्रिया को पूरा करवाने वाली है। कह सकते हैं कि अंतिम प्रशिक्षण यहाँ पर उम्मेद स्टेडियम में दिया जा रहा है। फिलहाल मेला यहाँ पर पोलिंग पार्टीज का लगा हुआ है, अंतिम प्रशिक्षण पोलिंग पार्टी को दिया जा रहा है क्योंकि सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो पुलिस जो कर्मी है वो भी पोलिंग पार्टीज के साथ में रवाना किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ से उम्मेद स्टेडियम से सीधा जो पोलिंग पार्टीज हैं अपने अपने जो मतदान दल हैं मतदान केंद्र हैं वहाँ पर पहुँचेंगे।
सर किस तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं? अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कल दूसरे चरण का चुनाव है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं जिला प्रशासन? कल सांगोद और सुल्तानपुर पंचायत समिति के चुनाव के लिए आज मतदान दल यहां से रवाना होंगे। अभी सेकंड ट्रेनिंग यहां पे इनकी आयोजित की जा रही है और इसके बाद में जेडीबी कॉलेज से ये ईवीएम और सामग्री मतदान सामग्री लेके यहां से करीब 12 एक बजे तक रवाना हो जाएंगे। मतदान मतगणना केंद्र की पूरी व्यवस्था शाम तक कर लेंगे और कल मतदान किया जाएगा। ये पंचायत समिति सुल्तानपुर और सांगोद के मतदान के लिए हमने सेक्टर ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए हैं जो लगातार राउंड करेंगे आज से ही और सुनिश्चित करेंगे कि मतदान निष्पक्ष शांतिपूर्ण संपन्न हो। बिल्कुल सर, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शांतिपूर्वक भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो, मतदान हो, ऐसे में यहाँ पर अंतिम प्रशिक्षण के दौरान किस तरह से जो संबोधित जो है वो तमाम पोलिंग पार्टीज को? जी, ये जो सुरक्षात्मक बिंदु हैं उनके लिए पुलिस की पर्याप्त माकूल व्यवस्था की गई है। हर एक मतदान केंद्र पर एक एक पुलिस कर्मी लगाया गया है, साथ ही इनकी पेट्रोलिंग के लिए भी गाड़ियां लगाई गई है। सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर्स लगाए हैं, एरिया मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो हर 15 मिनट पे हर मतदान केंद्र पे एक न एक अधिकारी और पुलिस की और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम वहां पर मौजूद रहेगी ताकि मतदान में किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं हो सके और आम मतदाता के मन में निष्पक्षता के भाव रहे और वो अपने मताधिकार का सुरक्षित रूप से प्रयोग कर सके। सुना आपने पूजा कि भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो, इसको लेकर के तमाम जो इंतजाम हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और फिलहाल अंतिम प्रशिक्षण का दौर चल रहा है जिसके बाद में तमाम पोलिंग पार्टीज अपने अपने मतदान केंद्र है, पोलिंग बूथ है, वहां पर पहुंचेंगी। तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें पूरा करने के बाद में कल मतदान होगा। कोटा की बात करें तो सांगोद और सुल्तानपुर पंचायत समिति में ये मतदान होना है जिनको लेकर के लगभग तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस का भी जो व्यापक इंतजाम है वो कर लिया गया है। बिल्कुल, सुरक्षा भी बेहद अहम है तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। अब जिम्मेदारी है उन तमाम लोगों पर जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और व्यवस्थाएं अब उन्हें ही संभालनी है। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ अशोक भाटी भी जुड़े हुए हैं उनका। अशोक, अगर इस बार के पंचायत चुनाव की बात कर ले तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो पोलिंग पार्टीज आज रवाना हो रही है या फिर 16 तारीख को जिन्होंने अंतिम रिहर्सल की थी पहले चरण के लिए, वो भी चूंकि दूसरे चरण के चुनाव कल होने वाले तो उसी की बात कर लेते हैं। एक ही दिन में मतदान भी कराना है, मतगणना भी करानी है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर हो जाती है उनके कंधों पर। प्रशिक्षण लगातार उन्हें दिया गया है, आज अंतिम रिहर्सल का समय है, तो किस तरह से जो जिम्मेदारी है उसे निभाने के दौरान जो तस्वीरें कल वो देखने को मिलेगी, साथ ही उस प्रशिक्षण को एक बार आपसे समझना चाहेंगे, कितने समय से ये चल रहा था और आज अंतिम रिहर्सल के दिन वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन व निर्वाचन विभाग के लिए ये जो है अंतिम दौर का प्रशिक्षण अभी दिया गया है। तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहां से रवाना हो गई है। अजमेर की बात करें तो अराई और श्रीनगर और मसूदा पंचायत समितियों में यहां पर चुनाव आयोजित किया जा रहा है जिसका अंतिम प्रशिक्षण यहां पर तमाम जो कर्मचारी है उनको यहां पर दिया गया है और सभी अब अपने अपने जो सामान है ईवीएम है उनको लेकर यहां पर रवानगी कर रहे हैं और कुछ देर में कुछ घंटों में ही वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर बूथ पर पहुंचेंगे और वहां पर जो अपनी तमाम व्यवस्थाएं वो देखेंगे। हमारे साथ जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की जो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है। सर, कितने पोलिंग बूथ बनाए गए थे और कितनी व्यवस्था की गई? द्वितीय चरण के लिए आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं। कुल 80 ग्राम पंचायतों में चुनाव हैं जहाँ कल मतदान होगा। कुल 326 मतदान दल बनाए गए हैं जो 326 मतदान केंद्रों पर जाकर के और मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस की रहेगी और बूथ पर देखें तो किस तरह की व्यवस्थाएं जो सर्दी को देखते सर्दी के मौसम को देखते हुए भी मतदान दलों के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जिनमें बिस्तर की व्यवस्थाएं की गई है, गर्म पानी की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध कराई गई है और साथ ही इसके अलावा पर्याप्त जाप्ता सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। प्रत्येक बूथ पर
दो पुलिसकर्मी हैं और इसके साथ ही साथ एक टीम का जाब्ता है और जो संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं उन पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की व्यवस्था की गई है। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारियां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसके लिए भी पुलिस टीम को निर्देशित किया गया, तैनात किया गया। अविनाश जगनावत का रुख कर लेते हैं। अविनाश, उदयपुर की पंचायत समितियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है कल का, क्योंकि पहले चरण का मतदान पंचायत चुनाव को लेकर जो शांतिपूर्ण रहा, कल का मतदान भी कुछ ऐसा ही हो, वही तस्वीरें सामने आए लोकतंत्र के उस महापर्व की जो कि 17 जनवरी को बीती प्रथम चरण के समय सामने आई थी, उसे लेकर क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है आज उदयपुर की पंचायत समितियों में? देखिए, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कल 7 पंचायत समितियों के 224 ग्राम पंचायतों में जो है नई सरकार चुनी जाएगी, उसके लिए मतदान होगा और उसको लेके तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप ठीक देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ, ये वही मतदान कर्मी है जिनके कंधे पे कल निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी रहेगी। पहले चरण की मतदान दलों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और वो अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। वहीं अगले चरण के लिए फिर से जो मतदान कर्मी है उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा, अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह की सावधानियां रखनी है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद इनको ईवीएम और जो मतपेटियां है वो लेके रवाना किया जाएगा। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर जिले में छुटपुट घटनाओं के को छोड़ दे तो पहले चरण का मतदान जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा था, लेकिन एक बड़ी बात आई थी कि एक मतपत्र में एक नाम कम होने से वार्ड पंच का एक आरओ को यहाँ पे निलंबित किया गया था वल्लभ नगर में। तो ऐसे में जो लोग या जो मतदान कर्मी जा रहे हैं मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने को, उनको इस बात की विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बार बार हिदायत दी जा रही है कि किसी भी प्रत्याशी का जो चुनावी मैदान में उतरा है अपना भाग्य आजमाने के लिए उसका नाम वंचित नहीं रहे और तमाम जो मतपत्र जब तैयार किए जाए उसको लेके बारीकी से जाँच की जाए, किसी अन्य व्यक्ति का जो मतदान दल के अलावा है उसकी सहायता नहीं ली जाए, उस तरह की तमाम यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि इस तरह की कोई घटना नहीं हो कि किसी प्रत्याशी के नाम नहीं आने के कारण वहाँ की चुनाव प्रक्रिया को रद्द करना पड़े। तो तमाम उन बातों को लेकर यहाँ पे विशेष जो जिम्मेदार जो निर्वाचन विभाग के अधिकारी हैं उनको उनकी तरफ से जोर दिया जा रहा है ताकि कल होने वाली जो दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराई जा सके। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर इस बार व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बिल्कुल, वहीं पर इस बार 7 पंचायत समितियों में पोलिंग पार्टीज के लिए जो कि अध्ययन उन्हें कराया गया है, प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है, कल उसी को लेकर परीक्षा की घड़ी है और वो खरे उतरे इसी के लिए फिलहाल फाइनल रिहर्सल लगातार जारी है और कुछ ही देर में उनकी रवानगी भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।